গুড মর্নিং, আমি লাভলি আর তোমরা দেখছো লাভলি দ্য অফিসিয়াল। তো প্রথমেই জানাই সবাইকে অক্ষয় তৃতীয়ার অনেক অনেক শুভেচ্ছা, ভালোবাসা আর অভিনন্দন। আর দেখছো পাচ্ছ সকালটা শুরু হয়ে গেছে আমাদের একদম মজা মজাই ভাবে। আজকে দেখো ঠান্ডা ঠান্ডা সকাল সকাল, উফ বাইরে রোদ আর এইসব খাওয়ার মজাটাই আলাদা। তো একদম সকাল সকাল বর মশার হাতে ঠান্ডা ঠান্ডা জুস খাওয়ার মজাটাই আলাদা। এরম সৌভাগ্য কার কার হয়েছে একটু জানিও। তো আমরা সুবহ আমি শপিং করতে গই থি, তো আমরা আজ সন্ডে কা মেনু হোগা, তো উসকে লিয়ে কুছ সামান লেনে কে লিয়ে বাজার গই থি। তো বাজার সে আনে কে বাদ বহুত বাহার তো বহুত ধূপ থা, ঠান্ডা ঠান্ডা জুস পিনে কে বাদ দিমাগ একদম কুল হো গয়া হ্যায়। আর এই বচ্চে কো দেখিয়ে কেসা মাথে পে চড় গিয়া হ্যায়। ঠিক মাম্মা হাই করে দাও, হাই করে দাও, হাই করে দাও, বাবা বাবা হাই করে দাও, হাই হাই। চলো তো হাম লোক আবি सुबह के लिए कुछ नाश्ता वास्ता करेंगे। नाश्ता करने के बाद हम लोग मेन कोर्स में जाएंगे। खूब स्पेशल डिश बनाएंगे। तो देखिए हमारा तो चिकन ऑलरेडी हो गया है, देसी मुर्गी का झोल होता है ना बंगाली लोगों का, तो ये हम लोग का स्पेशल, ये मम्मी का हाथ का बना हुआ है। तो मम्मी ने बना दिया, मैंने मुझे बोला ये पहले बोल में रख लो, उसके बाद जो तुम लोग डिश बनाओगे वो करना। तो हम लोग, मैं मम्मी के बात सुनकर ये सब रख रही हूँ। उसके बाद हम लोग बनाएंगे आज एक स्पेशल डिश। तो क्या बनाएंगे आप देखिए क्या हो रहा है। नमक हल्दी मैरिनेट करके छोड़ दिया। इस साइड छोटा डिटेक्टिव जासूसी कर रहा है और इस साइड हम लोगों का मसाला रेडी हो गया है। देखिए অনিয়ন, গ্রিন চিলি, টমেটো মাম্মি নে কাট কর রাখা হ্যায়, বেগুন ভাজা, এটা পটল ভাজা। তেল যাবে তো? না তো তেল দিব না, অল্প তেল। এটা দিয়ে বসিয়ে দেবে না মিজানিটা? सेब जल्दी जल्दी करछी चला रहा है क्योंकि अभी तक हम लोगों का मेन कोर्स नहीं हुआ है। तो मसाला भून रहा है, देखिए। तो सुबह सुबह हम गए थे बाज़ार, तो तभी पता नहीं था क्या बनाए क्या बनाए। तो सुबह जाके पहले ही मिल गया मुझे अच्छे से बहुत फ्रेश चिंगड़ी माछ। तो हम लोग बंगाली में इसको फ्रेश चिंगड़ी माछ ही बोलते हैं, तो आप चिंगड़ी फिश बोल सकते हैं। तो यही चिंगड़ी माछ मिलते ही हम लोग सोचे कि आज चलो इसका कुछ रेसिपी करते हैं। तो बहुत सोचने के बाद शायद पता चला, मैंने पहले पहले सोचा कि चिंगड़ी पुलाव बना लेते हैं और फिर थोड़ा फ्राइड राइस, नहीं तो उस लाभली को पसंद नहीं था थोड़ा फ्राइड राइस। तो हम लोग चलो सब मिल के प्लानिंग करके बना लिए चिंगड़ी बिरयानी। तो आज उसी का प्रिपरेशन चल रहा है। চিংড়ি মাছকে সাথে যে মশলা ভুনা হুয়া থা উসকে বাদ চাওল 75% চাওল পাকা হুয়া থা তো উসমে ডাল দিয়া চাওল। तो डालने के बाद मैंने जो मिक्सर बनाया, तो दूध के साथ जो केसर और केवड़ा जल मिला हुआ था वो मैं डाल दिया। उसके साथ मैं थोड़ा सा अतर भी दे चुका हूँ क्योंकि जो बिरयानी होगा ना तो उसमें जब बिरयानी का फ्लेवर आए इसलिए थोड़ा नमक भी दे दिया लास्ट में। ठीक है, ऑलमोस्ट हम लोग का हो गया है चिंगड़ी बिरयानी। तो चलिए थाली रेडी कर देते हैं, लंच थाली रेडी करने के बाद आप लोगों से मिलते हैं। तो हमारे एकदम दोपहर वाले मेनू लंच एकदम रेडी।
देखते ही पाच्छो चिंगड़ी बिरियानी आछे साउथ इंडियन बिरियानी हो गेछे एखाने आछे देशी मुर्गी झोल सालाड বেগুন ভাজা পটল ভাজা আম এখন তো গরমকাল বুঝতে পারছো তার সাথে জল ওয়াও কম্বিনেশনটা দারুণ अभी बच रहा है शाम की 6 और दोस्त लोगों ने कॉल किया तो चलो घूम के आते हैं थोड़े टाइम के लिए बाहर, तो इसलिए हम लोग तैयार हो रहा है दोस्त लोग घर में, तो इसके बाद हम लोग एक साथ जाएंगे आज घूमने के लिए। और कहाँ घूमने के जाएंगे, स्पेशल जगह जाएंगे, तो चलिए हम लोगों के साथ कहाँ जा रहे हैं आप देखिए। तो मेरा बच्चे देखिए कितना साज बाज के तैयार हो गया है, मेरा दोस्त भी कम सजा नहीं, वो भी अच्छे से साज गया है। तो यहाँ पर ओला बुक चल रहा है, तो देख रहा हूँ मैं हम लोगों के पास 4 फ़ोन है, तो देख रहा हूँ जिस फ़ोन से कम दिखाएगा ओला का प्राइस तो उस फ़ोन से बुकिंग करेंगे। टाटा खोड़े दीजिए, टाटा मम्मी, टाटा हाय टाटा। अरे देखो कागज चाहिए ना, रे इधर इधर के कैमरा देख बोलने की कैसे। तो हम लोग का घर से जो कैफ़े हम लोग जा रहे हैं उस कैफ का जितना दूर तो नहीं है, 5-7 मिनट लग, 5-7 मिनट लग रहा है जाने के लिए, तो इसके लिए 150 रुपये हम लोग को लगा और फाइनली हम लोग पहुंच गए। देखिए चलो 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 चलो। तो हम आउट एंड कैफे चलो, बहुत दिनों से आने के लिए कोशिश कर रहे हैं हम लोग, लेकिन काम के सिलसिले में टाइम ही नहीं मिला था हम लोगों को। टाइम पास करने के लिए हम लोग कैफ़े पे आ गए थे, लेकिन सोचा नहीं था दादा के साथ हम लोगों का मुलाकात हो जाएगा। तो आमने सामने कभी तो बात नहीं हुआ है, तो इसलिए बहुत ही नर्वस लग रहा है। चलिए बात करके देखते हैं। तो हम लोग कैफे पे जा रहे हैं, देख रहे हैं कैसा है, क्योंकि वीडियो में हम लोग देखे थे आमने सामने तो आज ही पहला है हम लोगों का, तो मेरा बच्चा पहले से इतना लोगों को देखकर डर गई थी, लेकिन वो सब लोगों के साथ मिलजुल जाता है, तो वो बहुत देख रहा था इधर उधर करके देख रहा था। जो लोग खाना खा रहे थे ना वो लोग मेरा बच्चे को देख रहे थे, क्योंकि वो हाय बाय कर रहा है, बहुत ही मस्त। हम लोग तो बहुत इन्जॉय किया उस टाइम, और दिख रहा है हम लोग जो फ़ोटो फ्रेम जो फ़ोटो उठाने के लिए जो जगह होता है, मेरा बच्चे के साथ मैंने तो फ़ोटो उठा लिया, ये बहुत अच्छा लगा ये प्लेस मुझे। और डेकोरेशन भी बहुत अच्छा है, मेरे हस्बैंड के साथ भी मैं उठा लिया, देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा है ना। मैं आज देखिए मेरा बच्चा तो खाना खाने के लिए पूरा बैठ गया टेबल के ऊपर, और हम लोग तो खाना ऑर्डर कर रहे हैं। तो पहले हम लोग पहले आपको डेकोरेशन दिखा देते हैं, जो आप देखते हैं ना वीडियो में दादा के जो इनसाइड आउट वीडियो होता है उनसे जब देखते हैं ना, तो ये वीडियो में जैसा है वो बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है, सेम टू सेम कॉपी है एकदम। पहले हम लोग मेनू कार्ड देख रहे थे, लेकिन बाद में मैनेजर ने बोला जी स्कैन करके हम लोग देख सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे, जो स्कैन करने के बाद ही आपको मेनू कार्ड मिल जाएगा, टेबल में मेनू कार्ड रखने का ज़रूरत भी नहीं है। जहाँ पर हम लोग पहले बैठे थे ना उस साइड बहुत ही एसी का हवा बहुत ही तेज़ चल रहा था, इसलिए हम लोग अलग जगह पर शिफ्ट हो गए, क्योंकि बच्चे के लिए इतना ज़्यादा एसी ठीक नहीं है। तो इस साइड में जो फ्लावर है ना, जो आर्टिफिशियल फ्लावर है, लेकिन देखने में बहुत ही अच्छा लगता है, दिख रहा था रियल फ्लावर के जैसा लग रहा था। फ़ोटो खींचने के लिए ये प्लेस बहुत ही अच्छा है, तो इसलिए हम लोग बहुत इधर बहुत ही पिक्चर उठा लिया है। तो पिक्चर खींचने के बाद हम लोग ने देखा इस साइड पर जो डेकोरेशन क्या है वो भी अच्छा है। तो अभी तक तो खाना नहीं आया, हम लोग बहुत देर से वेटिंग कर रहे हैं जी कब खाना आ जाए, क्योंकि हम लोग बहुत पहले ऑर्डर दे चुके हैं, लेकिन इतना भीड़ है तो खाना आने में थोड़ा टाइम लग रहा है, क्योंकि वो लोग बनाता है उसके बाद देते हैं, सब जगह यही होता है। मेरा बच्चे भी बोल रहा है बहुत, उसको तो इस टाइम ऐसा लग रहा है ना उसको, उसको इसमें अंदर में
और अच्छा नहीं लग रहा, तो बोल रहा है बाहर जाने के लिए ऐसे दिखा रहा। तो मैंने बोला ठीक है, एक दो फोटो खींच लेते हैं उसके बाद बाहर चलते हैं। बाहर हम लोग सोच रहे थे कि चलो बाहर से घूम के आते हैं उसके बाद आकर खाना खाएंगे, क्योंकि अभी तक रेडी नहीं हुआ है। तो हम लोग बाहर आ गए और बहुत ही जो शाम के जो लाइटिंग दिया हुआ है ना बाहर, तो वो भी बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने के लिए। तो मेरा बच्चा भी बहुत ही खुश है, क्योंकि बहुत ही जो छोटा छोटा गाछ है ना बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। तो मेरा बच्चा बहुत ही खुश है। तो मैंने सोचा ठीक है, मैं बाहर आ गई तो एक पिक्चर खींच लेता हूँ उसके बाद जब। तो अंदर हम लोग फाइनली हम लोग का खाना आ गया है। ज़्यादा कुछ नहीं मंगाया है, क्योंकि थोड़ा सा खाऊंगी खाने के बाद, क्योंकि डिनर तो मम्मी तो घर पे बना रहा है, तो डिनर तो करना होगा घर पे सब लोगों के लिए, मम्मी बना रहा है। तो इसलिए जस्ट टेस्ट करने के लिए कुछ खाना ऑर्डर किया है। बाद में हम लोग फिर से आएंगे, बहुत खाना हम लोग का पेंडिंग हो गया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा तो टेस्ट नहीं कर पाया अभी। तो कुछ कुछ खाना ऑर्डर किया और बाद में हम लोग आएंगे फिर से दोबारा टाइम मिले तो। देखिए लास्ट में कोल्ड ड्रिंक्स पी लिया, उसके बाद हम लोग के लिए लास्ट पर रहता वो देखिए इस लोगों के साथ मिलजुल गया है, पास में जो बैठा हुआ था बहुत ही अच्छा है। मेरा बच्चा हाई बाई कर रहा था, वो भी आकर उनके साथ मिल गया है। देखिए मैं लास्ट में जो हम लोग ऑर्डर किया था मैंगो चीज़ केक, वो सबसे मुझे अच्छा लगा। ठीक है, जितना खाना मैंने ऑर्डर किया उनसे सबसे बेस्ट मुझे ये लगा। मेरे बच्चे के भी ये पसंद हो गया है, ये खाना इतना अच्छा था। मैंने भी मुँह में लेने के बाद पूरा एकदम मिक्स हो जाता है, बहुत ही अच्छा लगा। तो आप लोग जब जाएंगे ना तो प्लीज़ ये ट्राई करना, ही बहुत ही अच्छा लग रहा है मैंगो चीज़ केक। और मेरे बच्चे के भी बहुत पसंद हो गए, देखिए वो कैसे खा रहा है। पहले तो नहीं खा पा रहा था, लेकिन बहुत बाद में देखिए कैसे खा रहा है। नहीं बहुत ही टेस्टी है ना, इसलिए लास्ट में उसके पापा के साथ एक दो फ़ोटो उन्हें उठा लिया, मैंने भी दो एक फ़ोटो उठाए। उसके बाद हम लोग चलते बाहर, क्योंकि हम लोग तो खाना और डर तो सब लोग को टाटा कर रहे हैं, अंदर जो कोई भी है सब लोग को टाटा कर रहा है। देखिए ये लोग बाहर भी आकर टाटा कर रहे हैं। मुझे तो इन दिन का मुझे याद रहेगा, बहुत ही अच्छा हम लोगों ने ये टाइम बिताया है एक साथ मिल के। तो दादा के साथ फिर से और एक बार दिखा हो गया। গরমটা পড়েছে তো এবার আসলে একদম আমরা আবার আসবো। চলো, যদি ভিডিওটা ভালো লাগে তাহলে লাইক কমেন্ট শেয়ার সাবস্ক্রাইব। বাই বাই, টাটা করে দাও, টাটা, গুড নাইট। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरी जगह दूसरी कहानी के साथ, और तब तक के लिए साइन आउट फ्रॉम लवली द ऑफिशियल, टाटा। अरे ओटीपी वाल कार का चाचा।